हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप वॉइस और तारक मेहता का ओल्ड चश्मा में। तारक मेहता की लेटेस्ट हॉरर स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और वॉइस गोकुलम सोसाइटी में चंपकलाल को सामने के फ्लैट में किसी की परछाई और जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दी है। अब गाइस यहाँ पे कई लोगों का मानना था कि गोकुलधाम सोसाइटी में मटका के मोहनलाल जिनका ही फ्लैट है वो वापस आए हैं, लेकिन रिसेंट एपिसोड को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। गाइस रिसेंट एपिसोड में चंपकलाल ने जिसकी परछाई देखी उसे देख के तो ऐसा लगता है कि मटका के मोहनलाल नहीं बल्कि उनकी जगह कोई लेडीज है। और गाइस जब चंपकलाल ने आत्माराम भिड़े को कॉल किया था तो उस समय चंपकलाल ने किसी जेंट्स के बारे में नहीं बल्कि किसी लेडीज का जिक्र किया था। अब गाइस ये स्टोरी कुछ ओल्ड स्टोरी की तरह ही घूम रही है। गाइस आपको याद ही होगा कि तारक में जो ओल्ड स्टोरी आई थी वो किसी भूत के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि कुछ गुंडे अपना इलीगल काम करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका के पर्दाफाश टप्पू ने बड़ी चालाकी के साथ किया। और गाइस तारक मेहता की वो स्टोरी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। और गाइस ये स्टोरी भी तारक मेहता की ओल्ड स्टोरी की तरह ही मूव कर रही है। गाइस इस स्टोरी में गोकुलधाम सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट देखने को मिला है सिमिलर पिछली स्टोरी की तरह ही है। सो गाइस तारक मेहता की हॉरर स्टोरी को देख के तो ऐसा लगता है तारक मेहता की ये स्टोरी भी ओल्ड स्टोरी की तरह ही होने वाली है। और उस स्टोरी में भूत के पहले शिकार जेठालाल थे और इस स्टोरी में चंपकलाल। सो गाइस देखते हैं कभी ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है और क्या ये स्टोरी भी ओल्ड स्टोरी की तरह ही तारक मेहता की ऑडियंस को पसंद आती है। सो गाइस इस हफ्ते में आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस फिलहाल आप बताइए कि तारक मेहता की नई स्टोरी के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं। आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।